रुड़की के लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल में स्वामी विवेकानंद जी की 158वीं जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। स्कूल के प्रधानाचार्य राजकुमार उपाध्याय ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी को एक संत के रूप में पूजा जाता है, साथ ही साथ समस्त विश्व उनके गुणों और आचरणों को अपने भीतर समावेशित कर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। आज 12 जनवरी है और आज स्वामी विवेकानंद जयंती हम मना रहे हैं और स्वामी विवेकानंद जयंती को भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया हुआ है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में प्रति वर्ष हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की आज 158वीं जयंती है और स्वामी विवेकानंद जी को हम एक संत के रूप में याद करते हैं। उनका जीवन बहुत छोटा सा था, 1863 में जन्म के बाद 1902 तक उनका जीवन रहा, लेकिन उस छोटे से जीवन में उन्होंने बहुत बड़े काम किए और उन्होंने भारत की एक जो छवि थी पूरी दुनिया में, जो सही छवि थी, उसको भारत के सामने रखा। और उनका जो प्रसिद्ध भाषण है 11 सितंबर 1893 का, जो उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में दिया था, उसके बाद से भारत को देखने का जो नज़रिया था पूरी दुनिया का, वो बदल गया। नहीं तो उससे पहले पूरी दुनिया के लोग भारत को एक सपेरों का देश, अनपढ़ लोगों का देश और यहाँ गरीब लोगों का देश और यहाँ अंधविश्वासों का देश मानते थे, और उसके बाद पूरी दुनिया की दृष्टि बदली और भारत की संस्कृति की, भारत की महान परंपराओं का एक सही परिचय वो पूरी दुनिया को गया। वो एक बहुत बड़ा प्रयास स्वामी विवेकानंद का था और उनको हम यूथ आइकन के रूप में जानते हैं। आप यहाँ देख भी रहे होंगे, उनकी आदमकद प्रतिमा यहाँ इस विद्यालय में लगी हुई है। बच्चे इनको देखते हैं, इनसे प्रेरणा लेते हैं, इनके सारे विचार भी यहाँ पर डिस्प्ले में लगे हुए हैं। और उन्होंने शक्ति की पूजा की, वो हमेशा कहते थे कि आप शक्तिशाली बनो और यदि आप शक्तिशाली हैं तो आप जीवंत हैं, आप कुछ कर पाएंगे, कमजोरी ही मृत्यु है। और वो हमेशा एक बात और कहते थे युवाओं को कि आप अपने लक्ष्य के लिए काम करो और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक रुको नहीं। इस प्रकार स्वामी जी का जीवन, उनके साहित्य को बच्चों को पढ़ना चाहिए, युवाओं को पढ़ना चाहिए और उनसे हमें प्रेरणा लेते रहना चाहिए।